दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर Samsung Galaxy A72 का गिव अवे लाइव है। अगर आप नए हैं और आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो पार्टिसिपेट कर लीजिए, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। Vivo X60 Pro और OnePlus 9 यहां पर दोस्तों सेम वेरिएंट के अंदर 5000 रुपए महंगा है OnePlus 9, लेकिन दोस्तों यहां पर फीचर्स के अंदर बहुत मेजर फर्क निकल के आते हैं। तो हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, दोनों के अंदर फर्क क्या क्या है, हमें कौन सा लेना चाहिए, सभी सवालों के जवाब आइए जान लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोनों स्मार्टफोन के सक्सेसर Vivo X60 Pro Plus और OnePlus 9 Pro, इनकी मैंने आपको कंपेयर वीडियो दे रखी है, काफी मजेदार है, बहुत ही टफ कंपटीशन है। अगर आपका बजट हाई हो जाता है ना तो वहां जाके आप उन्हें भी विजिट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करते हैं इसी Vivo X60 Pro और OnePlus 9 के बारे में, क्योंकि दोस्तों इनके जो बजट सेगमेंट है ना वो बिल्कुल क्लोज है 50,000 रुपए और 55,000 रुपए के आसपास की। तो ऐसे में ना कन्फ्यूजन है, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन की जो प्राइस सेगमेंट है वो बहुत ही क्लोज है, फीचर्स काफ़ी क्लोज है, मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाइप है दोनों ही स्मार्टफोन की। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों कंप्लीट कंपेयर करेंगे दोनों स्मार्टफोन का और आपको एक कंप्लीट कंक्लूजन देखेंगे कि आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, आपके लिए बेटर वैल्यू फॉर मनी यहाँ पर कौन सा हो पाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरुजी में। दोस्तों सभी फोन की ट्रूली टेस्टिंग होने के बाद में अब तक मैं एकदम ट्रूली कंक्लूजन पहुंचाता हूं। तो अगर आपको ट्रूली वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। बात करते हैं इन्हीं दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में। चलिए दोस्तों बात करते हैं दोनों फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। अगर हम बात करें हैं X60 Pro की, यहाँ पर दोस्तों वेट जो है ना अराउंड काफी बैलेंस है 180 ग्राम का, जहां पर आपको मेटल फिनिशिंग मिलती है, आपको पीछे ग्लास मिलता है, एक बहुत ही अच्छी प्रीमियम आपको हाथ में फील देता है। लेकिन अगर हम बात करें हैं OnePlus 9 की, दोस्तों एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि मेरे पास में काफी कमेंट्स आई थी कि हमें X60 Pro और OnePlus 9 Pro का कंपेयर चाहिए। दोस्तों कैसे पॉसिबल है, एक फोन 50,000 रुपए का है, एक फोन 70,000 रुपए का है, कहाँ कंपेयर है दोस्तों। सीधी सी बात है ना, अगर इसमें कंपेयर करना है तो सीधा OnePlus 9 Pro ले लो ना, आपको बेस्ट रहेगा, क्लियर कट बात है। कंपेयर यहां पर दोस्तों जो बेस्टम बेस्ट कंपेयर है, जो मोस्ट कंफ्यूजन चीज है ना, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें OnePlus 9 की, ये दोस्तों अराउंड आता है 183 ग्राम का, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मेटल फ्रेम, मेटल आपको पीछे मिलता है, ग्लास मिलता है, दोनों स्मार्टफोन आपको काफी अच्छी प्रीमियम लुकिंग देते हैं। नो डाउट दोनों ही फोन आपको, एक वो वाली चीज नहीं है कि कौन सा फोन हाथ में अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, नो डाउट दोनों स्मार्टफोन आपको इन हैंड फील, अगर आप कहीं गए हो ना 100 लोगों के बीच में, तो दोनों ही फोन आपको एक अच्छी एक प्रीमियम वाली लुकिंग दे पाएंगे। हम बात करते हैं यहाँ पर मेन फीचर्स की, क्योंकि मुझे हमेशा ही बिल्ड क्वालिटी से ज्यादा फीचर्स पर ज्यादा फोकस रखना होता है। अगर हम बात कर रहे हैं डिस्प्ले की, तो वीवो में आपको मिलती है 6.56 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के साथ में, 240 हर्ट्ज की आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलती है, 1300 निट्स का आपको ब्राइटनेस पीक मिलता है, नो डाउट दोस्तों HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिलता है, डिस्प्ले काफी अच्छी है। लेकिन अगर हम बात करें हैं OnePlus 9 की, यहाँ आपको मिलती है 6.55 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड या फिर हम कहें फ्लूइड एमोलेड की डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है जो कि एडेप्टिव है, यानी कि आपकी बैटरी यहाँ पर काफी रिलैक्स रहेगी, आपकी जो रिफ्रेश रेट है ना वो 1 से लेकर 120 हर्ट्ज तक आपको वेरी करेगी आपके वर्क के हिसाब से। अगर हम बात कर रहे हैं ना ब्राइटनेस पीक की, तो आपको मिलता है 1100 निट्स का, यहाँ पर दोस्तों गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है OnePlus में, और Vivo में आपको मिलती है स्कॉच की प्रोटेक्शन। वैसे बात करूं दोस्तों तो दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्ले काफी अच्छी है, आप टच एंड स्वाइप है ना काफी अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि दोनों में आपको सुपर एमोलेड 120 हर्ज मिल गई। हाँ, अगर किसमें रिफ्रेश रेट कम होती, एमोलेड होता, तो फिर हम बात करते, लेकिन हाँ फिलहाल अच्छी बात यह है कि आपको दोनों स्मार्टफोन डिस्प्ले के मामले में काफी एक बेटर एक्सपीरियंस दे पाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं दोनों ही फोन की एक अच्छी सी मेन हाईलाइट, दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस उसके प्रोसेसर के बारे में। तो वीवो के अंदर आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 870 का प्रोसेसर, ये दोस्तों एक नया चिपसेट है जहां पर आपको 7 NM बेस्ड पर ये प्रोसेसिंग आपको देता है। अगर हम बात कर रहे हैं एंटीट्यूड स्कोर की 6,40,000, अगर मैं बात करता हूँ वेरिएंट्स की, दोस्तों एक ही वेरिएंट है 12/256 GB का रैम को आप यहां पर एक्सटेंड कर पाते हैं, ये आपको एक अच्छा प्लस पॉइंट यहां पे मिल रहा है। अगर हम बात करें टाइप्स की, तो LPDDR4X रैम और UFS 3.1 के साथ में। नंबर वाइज बात करते हैं OnePlus 9 की, अगर हम बात करें यहां पर आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon का 888 का प्रोसेसर, ये दोस्तों एक 5 NM बेस्ड चिपसेट है,
दोनों स्मार्टफोन 5G हैं। अगर हम बात करें OnePlus की, यहाँ पर दो वेरिएंट है, 8/128 और 12/256 GB के LPDDR5 RAM और UFS 3.1 के साथ में एटीट्यूड स्कोर 6,70,000 के नज़दीक आपको मिलता है। नो डाउट दोस्तों, यहाँ पर है ना दोनों ही स्मार्टफोन आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। जो अपना वीवो है ना 870 के साथ में आपको काफ़ी प्रीमियम फीलिंग देता है, काफ़ी अच्छी स्मूथ आपको क्वालिटी देता है। लेकिन नो डाउट आपको जो OnePlus 9 है वो 888 के साथ में आपको जो, अगर हमसे बात करता हूँ रीड एंड राइट की, तो वो भी आपको जो रैम और जो स्टोरेज का टाइप है ना आपको यहाँ पर स्पीड अच्छी मिलती है। और जो दोस्तों सीधी सी बात है ना, स्नैपड्रैगन 888 आपको एक बेहतरीन क्वालिटी यहाँ पे दे पाता है। देखिए दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन के अंदर जो सेम वेरिएंट है ना, आपको OnePlus वाला स्मार्टफोन 5,000 रुपये महंगा मिलता है। उसका एक कारण तो यहाँ पर आपको चिपसेट यहाँ पर अच्छा मिल रहा है वो है, सेकंड चीज आपको कैमरा क्वालिटी के अंदर मिलेगा। जहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं Vivo की, यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट मिलता है, प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का OIS के साथ में, गिम्बल के साथ में आपको गिम्बल 2.0 जिम्बल कहिए गिम्बल कहिए आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 13 मेगापिक्सल का आपको पोर्ट्रेट का सेंसर, 20x आप डिजिटल जूम ले पाते हैं और 2x के साथ में आप ऑप्टिकल जूम यहाँ पर ले पाते हैं, 4K 60fps तक आपको यहाँ पर मिलता है। जहाँ पर दोस्तों जो मेन हाईलाइट है वो है जिम्बल 2.0 और एक्स्ट्रा नाइट विजन 2.0 के साथ में। बहुत ही जल्दी मैंने बताया क्योंकि मुझे बात करनी है OnePlus 9 के बारे में। अगर हम बात करें OnePlus की, यहाँ पर आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का IMX के साथ में 689, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम का सेंसर। OnePlus का स्मार्टफोन दोस्तों आपका 8K को सपोर्ट करता है, जहाँ पर आप 4K 60fps तक रिकॉर्ड कर पाते हैं, दोनों स्मार्टफोन में कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं, देखो यार मतलब मैं परेशान हूँ कुछ ऐसी कमेंट से कि आपको Vivo ने पैसे खिलाए, OnePlus ने पैसे खिलाए, इसलिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर कट कुछ सैंपल्स दिखा रहा हूँ। आप खुद डिसाइड करो कि भाई साहब हमें किसकी फ़ोटो पसंद आ रही है, और हाँ मुझे भी बताओ कमेंट्स के अंदर कि मुझे भी थोड़ा लगे ना कि हाँ कौन कौन मेरे साथ है और कौन कौन मेरे खिलाफ। कौन सी मूवी का डायलॉग है? ऑलराइट, अगर हम बात करें दोस्तों कि क्लियर कट अगर हम बात करें ना, तो हाँ थोड़ी सी शार्प फोटो आपको मिलती है OnePlus में। बाकी फीचर्स दोस्तों आप जानो, मैंने आपको यहाँ पर कैमरा सैंपल्स दिखाए हैं, आप खुद बहुत ज़्यादा समझदार हैं आप, देखिए। लेकिन हाँ जो Vivo है दोस्तों, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, जिम्बल मिलता है, आप खुद डिसाइड यहाँ पे कर लीजिए। ऑलराइट दोस्तों, अगर हम बात करें हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी और चार्जिंग की, तो Vivo में आपको मिलती है 4200 mAh की बैटरी, 33W की चार्जिंग मिलती है, लेकिन OnePlus में आपको मिलती है 4500 mAh की बैटरी, 65W की यहाँ पर आपको चार्जिंग मिलती है। नो डाउट बैटरी में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हाँ चार्जिंग के अंदर आपको अप टू डबल वाला यहाँ पर फर्क देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की प्राइस सेगमेंट की। Vivo के अंदर एक ही वेरिएंट है, आपको मिलता है 50,000 रुपये के अंदर। हाँ यहाँ पर डिस्काउंट्स ऑफलाइन मार्केट में आपको काफ़ी मिल जाएंगे। OnePlus की बात करें, दो वेरिएंट है 50,000 और 55,000 रुपये के अंदर, सेम वेरिएंट में 5,000 रुपये महंगा है OnePlus 9। ऑलराइट दोस्तों, अब हम बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की दोनों स्मार्टफोन को देखते हुए। बिल्ड क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन की काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्रीमियम है, नो डाउट आपको दोनों के अंदर सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी। हाँ डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले भी दोस्तों दोनों की ही काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर आपके साथ में वो वाला इशू है ना कि हमें तो ब्रांड चाहिए आईफोन OnePlus ऐसा कुछ है, तो फिर आप देख लीजिए, वरना डिस्प्ले दोनों की काफ़ी अच्छी है, सुपर एमोलेड विद 120Hz। अगर मैं बात करता हूँ परफॉर्मेंस की, तो दोनों की अच्छी है, लेकिन कंपेरेटिवली आपको अपना जो OnePlus 9 है यहाँ पर आपको बेटर मिलती है। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा भी वहाँ पर देने हैं। कैमरा की बात करूँ दोस्तों, तो हाँ OnePlus में आपको शार्प फोटो जरूर मिलती है, लेकिन Vivo के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, बहुत सारे, जैसे कि नाइट मोड, जिम्बल वगैरह। बैटरी और चार्जिंग आपको, बैटरी सिमिलर है, लेकिन चार्जिंग आपको OnePlus की अच्छी मिलती है। ऑलराइट दोस्तों, तो मेरे हिसाब से तो है ना 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा के यहाँ पर OnePlus 9 हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि Vivo के अंदर आपको जो कैमरा क्वालिटी है दोस्तों, बहुत सारे फीचर्स, भर भर के फीचर्स वहाँ पे मिलते हैं। जहाँ पर आप, मुझे नहीं पता ये वीडियो कब देख रहे हो, अगर लेटेस्ट देख रहे हो तो वीडियो आने वाली है, और पुरानी देख रहे हो तो चैनल पे आ चुकी होगी कैमरा रिव्यू की फ़ोटो, जहाँ पर वीडियो, जहाँ पर मैंने X60, X60 Pro और X60 Pro Plus तीनों की मैंने वीडियो तैयार करके वहाँ पर रखी हुई है, आप जाके देखिए, आपको काफ़ी आइडिया वहाँ से
लग जाएगा। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है दोनों फोन के बारे में बताइए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। आपको कौन सा फोन अच्छा लगा, बुरा लगा और क्यों लगा, सभी बातें दोस्तों कमेंट्स में कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, गिव अवे लाइव है, अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो पार्टिसिपेट कर लीजिए, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।